कभी हम और हे गाइस दिस इज प्रभ, मेरा पूरा नाम प्रभजोत है और आज का कौन सा और ये मेरा पहला व्लॉग है और आज का कौन सा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सरोजनी नगर। वहाँ पर ना बहुत सारे ड्रेसेस है, मीन्स बॉयज़ के गर्ल्स के आउटफिट बहुत अच्छे हैं वहाँ के। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलते हैं, मैं मेट्रो से जाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको किसी से मिलाऊँगा। ओके गाइस सो लेट्स गो, चलते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन। ओके यहाँ से मैंने टोकन लिया है 40 रुपीज़ का और मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट सरोजनी मेट्रो स्टेशन और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही सरोजनी नगर मार्केट है। और पहले मैं यहाँ से जाऊँगा रजौड़ी गार्डन, वहाँ से मैं चेंज करूँगा और मैं लूँगा पिंक लाइन, क्योंकि पिंक लाइन जाती है सीधी सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन। ओके और मैं यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ चुका हूँ क्योंकि मेरी फिर किसी ने कहा था कि लेट मत होना और मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ और वो अभी तक नहीं आए और मैं वेट कर रहा हूँ, मिलाता हूँ मैं जैसे ही आते हैं वो। आप भी वेट करो, मैं भी करता हूँ। सो गाइस जिससे मुझे मिलाना था कागज वो ये है बच्चा का। ओके सो अभी हम जाएंगे सरोजनी नगर और आपको अच्छे अच्छे आउटफिट्स दिखाएंगे और इनको शॉपिंग नहीं करनी, मुझे करनी है शॉपिंग। ठीक है तो अब मैं शॉपिंग भी करूँगा। सो लेट्स गो। जैसे मेट्रो आती है सो चलते हैं। सो बाय। अभी हम सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन है और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है सरोजनी नगर मार्केट। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं। सो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, अंदर उन्होंने अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। ओके तो उन्होंने मेरे वीडियो बंद करवा दी। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। ओके वॉकिंग डिस्टेंस है 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। हाँ हिमालय पर्वत चल रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये रहा बस, ये नहीं रहा, यही है आधा पौना किलोमीटर का मतलब। आधा गाइस मेरे को कमेंट में बताना कि आधा पौना किलोमीटर किलोमीटर कितना टाइम लगता है। 10-15 मिनट तो लगते हैं ना, हम कोई उड़ के तो जा नहीं रहे, इसको समझाओ कुछ। क्या बोलो क्या बोलो 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 अरे नहीं नहीं बोलो बोलो ये ऐसे करता है मेरे साथ। अरे यार मतलब बहुत मजा आता है इनको सताने में। आगे देख के चलो। अच्छा बाबा देख चुका हूँ मैं, पार हो जाओ। चलो मैं दिखाता हूँ मैं अंदर कौन कौन सी आउटफिट है, आप देखो।
प्यारी लग रही है भैया। अच्छा कौन सी? हेलो भैया कितने की है? ये 300 की है। वो निकालना। यही तो ये तो है। ये ना मैम आओ बच्चे के लिए ठीक चलते ले लो 120। ये कितने की है? 600 रुपए। 600। सही रेट हो भैया। सो गाइस अभी मैंने मैम ने अपने लिए एक सूट लिया है, मैंने अपने लिए एक टी शर्ट ली है और एक हुडी ली है पिंक कलर की। वो मैं आपको घर जाके उसका पूरा दिखाऊंगा कैसे है और मैम भी आपको दिखाएगी बच्चा भी। विद प्राइस मैं आपको बता दूंगा कितने का। और यहाँ पर इतना चीप है, इतना चीप है। आप ना जब भी आओगे यहाँ पर तो बार्गेनिंग खुल के करना, कर देंगे। बट किसी के सामने अगर बोलोगे तो नहीं करेंगे, अकेले में अगर बोलोगे तो कर देंगे बार्गेनिंग। हमने भी बार्गेनिंग की है, बहुत अच्छे प्राइस में हमें सही चीज़ें मिल गई हैं। अभी हम और भी चीज़ें देख रहे हैं। ओके और अभी हम वैसे हमें भूख लग रहा है, पहले हम कुछ खाने जाएंगे। सो लेट्स गो। आप भी तब तक कुछ खा के हो, वैसे हम जो खा रहे हो तो हमें आपको दिखा देते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं, ये हम शॉप पर। ओके अब हम यहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं, तो भूख लग रही है हमें। गाइस अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, हमने शॉपिंग कर ली है, ये हमारे शॉपिंग बैग्स हैं। मैम ने सूट ले लिया है, मैंने आपको बता ही दिया क्या ले लिया, वो मैं आपको घर जाके दिखा दूँगा क्या क्या लिया है। हमने आज खा भी चुके हैं, पाव भाजी खाई थी हमने, स्वाद थी बहुत ज़्यादा। ओके अभी हम आपको दिखा देता हूँ, अभी हम यहाँ पर हैं। ओके ये इनका एग्जिट गेट और एंट्री गेट दोनों है, जहाँ मर्जी से घुसो कोई टेंशन नहीं है। एंट्री वहाँ से है, एग्जिट यहाँ से है। ओके सो अभी हम यहाँ पर, और क्राउडी प्लेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं गाइस यही बोलूँगा आओगे एकदम सिंपल बन के आना। शूज़ अपने प्लीज ध्यान से रखना, मैंने अपने शूज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से रखे क्योंकि मेरे शूज़ नियॉन थे। शूज़ सर पे रख के आया है ये? हाँ शूज़ मैं सर पे रख के आया हूँ, मेरे को अपने शूज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था, मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे। मेरा होश नहीं है, शूज़ का पूरा ध्यान रखा मैं, इसका भी इनका भी होश रख रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ है नहीं। अभी हम कैब की वेट कर रहे हैं, कैब पर बैठ के फिर हम घर चल जाएंगे। घर जाके मैं फिर आपको आउटफिट दिखाता हूँ हमने क्या क्या लिए हैं। मैम अपना सूट दिखाएंगे, उन्होंने कौन सा सूट लिया। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस अभी हम कैब में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। ओके सो अभी हम डायरेक्ट आपको मिलेंगे घर पे। ओके आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने खाया पिया शॉपिंग की, अब मजे करें बस नहीं गया, बोर हो गया मैं थोड़ा बहुत क्योंकि क्राउड एरिया बहुत था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं ऐसा तो लग रहा था ये नहीं हुए मेरे को एक्चुअली क्राउडी प्लेस पसंद नहीं है, शांत प्लेस ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी शॉपिंग करोगे तो क्राउड तो होगा ही ना, खाली प्लेस में शॉपिंग क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सही है, मैं सही हूँ या ये सही है? आप लोग को ज़्यादा प्लेस कौन सा राइट? झूठ थोड़ी होता है, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। क्यों भाई गर्ल्स आर ऑलवेज राइट? क्योंकि लड़कों के पास दिमाग नहीं होता। किसने बोला लड़कों के पास ज्यादा दिमाग होता है? लड़कों का दिमाग घुटनों में होता है। किसने बोला लड़कियों का दिमाग होता है घुटनों में, लड़कों का नहीं होता? कमेंट सेक्शन में बताओ बताओ सबसे ज्यादा सियाना कौन है, लड़के बॉयज होते हैं गर्ल्स होते हैं? वोट नहीं देना आप लोग को जो प्लीज 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 मैं समझे क्या मैं हूँ ज्यादा स्मार्ट? कमेंट सेक्शन में बताओ आपको। गाइस हम लोग थोड़े लड़के आते हैं, आप भी डिसाइड करो जाके जल्दी। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया हमारा, हमने शॉपिंग्स की, आपको मैंने आउटफिट दिखाए बहुत सारे। ओके सो गाइस हमने क्या क्या लिया है मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया है, सॉरी ये आपने लिया है? हाँ ये आपने लिया। ओके बाबा आप दिखाओ। ये देखो मैंने ये सूट लिया है प्योर कॉटन, इसमें लाइनिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्योर कॉटन है। चुन्नी देखो बहुत हैवी लुक चुन्नी है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ ये सूट कितने तक का हो सकता है। ओके 1000 से अबव नहीं है,
तो आप रेट में बताओ कितने तक, कितने में आपको मिल सकता है, कौन परफेक्ट जज कर पाता है। ओके, और मैंने लिया है ये पिंक हुडी, मेरे पास थी नहीं पिंक हुडी, मैंने ले ली है। और मैंने क्या लिया, ये दिन की चॉइस थी तो मैंने ले ली। ये जो इसका प्राइस है वो 300, और जो मैंने पिंक वाली हुडी दिखाई है उसकी प्राइस थी 300। तो गाइस आज का दिन बहुत अच्छा लगा, और हमने बहुत फन किया, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मजे किए, थोड़े से टाइट भी हो गए हम, बट मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया था कैब में। इनको सोने के लिए और कोई काम भी नहीं है, आपको बड़ा काम है, सोती तो मैं तुमसे कम ही हूँ, रहने दो तुम्हें लड़ने के लिए कोई और कोई काम नहीं, तो आपको भी नहीं है, छोड़ो। हम क्या कहने वाले तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ। हमारे जो चैनल का नाम है वो है PR कपल। ओके, हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते हम ब्लॉग्स आपके साथ न्यू चीज़ें शेयर करते रहें। ओके, और दैट्स इट। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आज का, कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज़ ये ब्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम और हमें टिकटॉक में दोनों फॉलो करें। हमारा टिकटॉक चैनल वो है, चैनल है PR Prop 2824, मेरा है, और आपका क्या, इट्स मी रशिका। ओके, ये दोनों हमारे कपल पेज हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम रोमांटिक वीडियोस बनाते हैं, कभी कभार हम खिटपिट वाली वीडियोस भी बनाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा मेरी वीडियोस देख के। तो जाइए हमें फॉलो कीजिए फटाफट टिकटॉक पे, और इंस्टाग्राम पे हमारा है प्रभजोत, मेरा जो अकाउंट का नाम है prabjot.singh2824, और इनका है, इनको अपना अकाउंट का नाम याद नहीं है, एक्स मी राशिका के नाम से है। ओके, आप वहाँ पर जाके भी इनको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस कैसा है हमारा ब्लॉग, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई मिस्टेक होगी तो जरूर बताइएगा, हम अगली बार वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मुझे पता इसलिए ऐसे क्योंकि उनको अपने अकाउंट का नाम नहीं पता, तो इनको लग रही कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, पर नहीं होगी। ओके गाइस, सो बाय, टेक केयर, दिस साइड प्रॉप एंड दिस साइड गाइस मींस प्रिया कपूर, बाय बाय।